नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने पेशाब को बोतल में करके कैसे आप अपने पेशाब के माध्यम से कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, करने में बहुत अजीब लगेगा, पर अगर आप वाकई वशीकरण के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। और इस उपाय को करके हर कोई कामयाब ही हुआ है, एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसने ये उपाय करा हो और उसको रेस्पॉन्स नहीं मिला हो। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको एक बोतल लेनी है इस तरीके से, और इस बोतल के अंदर अपना पेशाब करना है। आधी बोतल अपने पेशाब से भर देनी है, चाहे वो कैसे भी बोतल हो, प्लास्टिक की भी बोतल ले सकते हैं। अब आपको उस बोतल को लेने के बाद नाम और फोटो उस इंसान का आपके पास होना चाहिए जिसको आप अपने वश में कर सकते हो। अगर फोटो भी नहीं है तो कागज़ का माध्यम से नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो। और कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जो जिसको वश में करना चाहता हो उसका फ़ोटो या नाम नहीं हो। अगर फ़ोटो भी नहीं है, नाम है तो भी चल जाएगा। तो एक बोतल लेनी है, बोतल के अंदर पेशाब करना है आधी बोतल। उसके बाद एक कागज़ लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले तीन बॉक्स बनाने हैं जॉइंट करके, फिर आपको लिखना है जिसका वशीकरण करना चाहते हो। जैसे कोई लड़का है, उसका नाम राजा है, प्लस राजा प्लस माँ का नाम। दूसरे बॉक्स में आपको हैश करना है, फिर ये जो साइन बना हुआ ये, फिर इसके बाजू में भी हैश करना है, इस तरीके से लिखा हुआ जो है। उसके बाद जो वशीकरण कर रहा है उसका नाम उदाहरण के तौर पर रानी है, रानी प्लस माँ का नाम, इस तरीके से नाम लिख देना है। बस ऐसा करना है। वो इंसान इसको करके पेपर करके उसके अंदर फोल्ड करके पेशाब की बोतल के अंदर आप डाल दो और तीन दिन तक ऐसे ही डले रहने दो उसके लिए। तीसरे दिन आपकी खबर मिलेगी कि वो इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा, वो आपको खुद कहीं पर ढूंढेगा, आपके वश में हो जाएगा, आपको कॉल करेगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा, इतना बेचैन हो जाएगा आपके बिना, आपके वश में हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। तो इस उपाय को करिए और बहुत आसान है, कामयाबी हासिल करिए इस उपाय में। नमस्कार दोस्तों।